Yes, my dear students, today we will read about letters. बेटा letter हमारे two types के होते हैं, आपको पता है. One is formal and other one is informal. ठीक है, तो आज हम formal letters के बारे में पढ़ेंगे कि formal letters क्या होते हैं. ठीक है बच्चे, तो formal letters में एक हमारा आता है letter to editor, तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं. और सभी फॉर्मल लेटर्स में सब सेम फॉर्मेट रहता है जो आज मैं आपको बताऊंगी. और जनरली ये हमारे 8 मार्क्स के आते हैं पेपर में, 8 मार्क्स के आते हैं. और मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन बेटा कैसा होता है, देखिए 1 मार्क्स का हमारा होता है फॉर्मेट, जो हम ये फॉर्मेट बनाते हैं, सेंडर एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस, जो भी आपको मैं एक्सप्लेन करूँगी, इसके 1 मार्क्स होते हैं. देन 4 मार्क्स हमारे होते हैं कंटेंट की, जो हम लिखते हैं बीच में, बॉडी जो होती है हमारी, मैटर होता है, उसके मिलते हैं हमें 4 मार्क्स. एंड देन 3 मार्क्स होते हैं हमारे एक्सप्रेशन के. तो व्हाट इज़ दैट एक्सप्रेशन? एक्सप्रेशन इज़ ऑल अबाउट योर ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, कि आप कितने ग्रामेटिकल एक्यूरेसी से उस अपने लेटर को लिख रहे हो, कितने अच्छे तरीके से उसको एक्सप्रेस कर रहे हो. तो उसके 3 मार्क्स होते हैं टोटल मिला के, इनके 8 मार्क्स बनते हैं. ठीक है बेटा, तो अब हम इसका फॉर्मेट रीड करना शुरू करते हैं लेटर टू एडिटर का. देखिए सबसे पहले बिल्कुल लेफ्ट, ये सब हमारा क्या होता है, लेफ्ट अलाइंड होता है फॉर्मेट में, बिल्कुल लेफ्ट साइड कॉर्नर से हमें लिखना है. सबसे पहले हमारा सेंडर एड्रेस. सेंडर एड्रेस मतलब कौन लेटर लिख रहा है. मैक्सिमम ये हमारा 3 लाइन्स में कवर होगा, ठीक है ना बेटा. और अगर गिवन नहीं है आपको ऊपर क्वेश्चन में सेंडर एड्रेस, तो यू कैन एज्यूम योर सेल्फ एंड राइट इट अकॉर्डिंगली. ठीक है, तो आप एज्यूम करके अपने अकॉर्डिंग आप वो सेंडर एड्रेस लिख सकते हो. क्लियर हो गई? सेंडर एड्रेस में जनरली जो भी ऊपर गिवन होगा क्वेश्चन में आपको, एक तो एड्रेस, अगर साथ में फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी वगैरह भी गिवन है तो वो भी आपने मेंशन करनी है, अगर ऊपर क्वेश्चन में मेंशन है तो. ठीक है, अदरवाइज नहीं. नेक्स्ट, उसके बाद सेंडर एड्रेस के बाद हमने एक सिंगल लाइन स्पेस, 1 लाइन छोड़ना है. सेंडर एड्रेस लिख दिया, उसके बाद 1 लाइन छोड़नी है. फिर आती है हमारी डेट. डेट को कैसे लिखना है? डेट लिखने का पैटर्न ऐसे है, फर्स्ट, आज जैसे फर्स्ट में है, फर्स्ट में 2020. डोंट राइट लाइक दैट, फर्स्ट में 2020 बेटा ऐसे नहीं लिखना है हमें. क्लियर हो गई बात आपको? नेक्स्ट, फिर से हमने सिंगल लाइन स्पेस छोड़ना है. 1 लाइन स्पेस छोड़ के हमारा रिसीवर एड्रेस. रिसीवर कौन है? जो जिसको हम ये लेटर लिख रहे हैं. किसको लिख रहे हैं? एडिटर को लिख रहे हैं. तो रिसीवर एड्रेस में क्या आएगा? द एडिटर. ये भी हमारा 3 लाइन्स में कवर होगा. द एडिटर कौन से न्यूज़पेपर का एडिटर है? वो हमारा क्वेश्चन में मेंशन होगा, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस. ठीक है, द एडिटर, टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली, जो भी होगा हम 3 लाइन्स में उसको कवर कर देंगे. अगेन आता है बच्चे हमारा सिंगल लाइन स्पेस. फिर से हमने 1 लाइन छोड़ी. देन हमारा सब्जेक्ट, कि हमारा ये जो लेटर है वो किसके ऊपर है, क्या पर्पस है, हम ये जो किस पर्पस से हम ये लेटर लिख रहे हैं, तो वो हमारे सब्जेक्ट में इंक्लूड होगा. और ये मैक्सिमम हमारे 6 वर्ड्स का होना चाहिए, इससे ज़्यादा वर्ड्स का मत बनाना बच्चे, अवॉइड करना. ठीक है, मैक्सिमम 6 वर्ड्स का, 4 to 6 वर्ड्स में हमारा ये कंप्लीट हो जाना चाहिए एक ही लाइन में. ठीक है, ताकि वो जो एग्जामिनर है उसको रीड करते ही पता चल जाए कि अच्छा बच्चा इसके ऊपर लिख रहा है, उसने इसके ऊपर लिखा है. ठीक है, ओके. उसके बाद आ जाता है हमारा फिर से सिंगल लाइन स्पेस. उसके बाद हमारी सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन, सर, मैम, डियर, रिस्पेक्टेड सर. ठीक है, तो हम ये लिखेंगे बच्चे, अवॉइड करना डियर लिखना. डियर नहीं लिखना, क्योंकि हम ये एक फॉर्मल लेटर है, तो फॉर्मल लैंग्वेज में हम डियर वर्ड यूज़ नहीं करते हैं. तो आप सिर्फ सर लिख देना, या फिर रिस्पेक्टेड सर ऑब्लिक मैम. अगर आपको जेंडर कंफर्म नहीं है तो सिर्फ यू कैन मेंशन सर. क्लियर हो गई? लेकिन एक चीज़ मैं अब आपको बताना चाहती हूँ, हमारे रिसेंटली CBSE ने कुछ चेंजेस किए हैं. क्या चेंजेस किए हैं? जब जहाँ हम सब्जेक्ट लिखते हैं उन्होंने वहाँ सैल्यूटेशन रख दी है, और जहाँ सैल्यूटेशन होती है वहाँ पे सब्जेक्ट लिख दिया है. उन्होंने इन दोनों की प्लेसेस को इंटरचेंज कर दिया है. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सैल्यूटेशन ऊपर और सब्जेक्ट हमारा नीचे. और बच्चे अगर आप नहीं भी लिखते हो तो भी आपके मार्क्स नहीं कटेंगे. ये तो बस ये इसीलिए है कि भाई चलो बच्चों को नॉलेज होनी चाहिए कि CBSE क्या क्या अपडेट करती रहती है. ठीक है, क्लियर हो गई आपको बात?
सैल्यूटेशन के बाद फिर से हमने एक सिंगल लाइन छोड़ी, उसके बाद हमारा कंटेंट, हमारी जो बॉडी है, हमारा जो मैटर है, हम उसको लिखना शुरू करेंगे, जो कि बेसिकली हमारे तीन पैराग्राफ्स में डिवाइड होगी। थ्री पैराग्राफ्स में हमारी ये बॉडी जो है वो डिवाइड होगी। फर्स्ट पैरा इंट्रोडक्टरी पैरा, जिसमें आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करोगे ब्रीफली और अपनी प्रॉब्लम के बारे में ब्रीफली बताओगे कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आप ये लेटर क्यों लिख रहे हो। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गई। सेकंड पैरा में हमारी उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन, जो प्रॉब्लम है उसके हम उसके बारे में हम डिटेल में बताएंगे। ठीक है, फर्स्ट पैरा में क्या है, यू हैव टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ ब्रीफली एंड यू हैव टू राइट द पर्पस ऑफ राइटिंग दैट पर्टिकुलर लेटर टू एडिटर। क्लियर हो गई बात। और सेकंड पैरा में हमें डिटेल में बताना है कि प्रॉब्लम एक्चुअल में क्या है, आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो आप। ठीक है, उसके बाद हमारा थर्ड पैरा, दैट इज़ अ कंक्लूडिंग पैरा। और बच्चे ये जो सेकंड पैरा है इसमें टू पैराज इंक्लूड हो सकते हैं, हम टू पैराज हम बना सकते हैं इसको, यानी कि फर्स्ट पैरा सेकंड पैराज में दो पैराज में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। दो पैरा में हमने अपनी मैटर को, अपनी प्रॉब्लम को डिटेल में डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, और एक में भी करोगे एकोमोडेट करके तो भी चलेगा। और लास्ट हमारा थर्ड पैरा, दैट इज़ अ कंक्लूडिंग पैरा, जिसमें हमें मेंशन करना है कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो अथॉरिटी से या एडिटर से। ठीक है, क्या एक्सप्रेस कर रहे हो, सपोज दैट यू वॉन्ट हिम टू हाईलाइट योर व्यूज़, हाईलाइट योर प्रॉब्लम इन हिज न्यूज़पेपर, है ना, तो आपको ये चीज़ मेंशन करनी है अपने थर्ड पैरा में। लास्ट हमारा आ जाता है बच्चे, ओके बेटा, लास्ट हमारा आ जाता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। हमें कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग देनी है, योर्स फेथफुली ट्रूली। ठीक है, फेथफुली भी लिख सकते हैं, ट्रूली भी लिख सकते हैं, सिंसियरली भी लिख सकते हैं बच्चे, लविंगली, लविंग, या फिर हम ओबीडियंटली मत मेंशन करना। आपने क्या लिखना है, योर्स फेथफुली या फिर ट्रूली या सिंसियरली आप मेंशन करोगे एंड में, थैंक यू करके योर फेथफुली। उसके बाद लास्ट में सेंडर्स एड्रेस विद द सिग्नेचर एंड द डेजिग्नेशन इन द ब्रैकेट इफ गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गया आपको। ये था हमारे लेटर टू एडिटर का फॉर्मेट, और यही हमारा फॉर्मेट फॉलो होता है सभी फॉर्मल लेटर्स में। फॉर्मल लेटर्स एनी लेटर टू योर लेटर टू एनी हायर अथॉरिटी, सुपरिटेंडेंट, पुलिस कमिश्नर, किसी को भी आप लेटर लिख रहे हो, तो हमारा फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट यही फॉलो होगा। ये जो हमने लिखा है अभी, सेंडर एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन एंड देन योर कंटेंट विच विल कवर इन थ्री पैराग्राफ्स एंड देन द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज एंड सेंडर एड्रेस। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया बच्चे आपको ये आगे। हाँ जी बच्चे, अब हम इसको, मैं आपको कुछ ऐसी पेट लाइंस बताऊंगी जो तो जो को जिनको तो आप बस क्रैम कर लो, गोट के पी लो भाई, ये लाइंस तो हमने लिखनी ही लिखनी है। ये लाइंस लिख दी तो हमें मार्क्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, कुछ सोचने की और ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट पैरा जिसमें आप, दैट इज़ द इंट्रोडक्टरी पैरा, जिसमें आपने अपने आप को ब्रीफ इंट्रोड्यूस करना है, आप करो या ना करो ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये लाइंस तो आपने लिखनी बहुत ज़रूरी है। दैट इज़, through the columns of your esteemed newspaper I would like to draw the attention of concerned authority towards किसके towards आपकी problem, जो subject है आपका, आगे आप वो mention कर दोगे। that is the first para, basically हमारे first para में ये हमने लिखना है कि आपके esteemed newspaper के column से मैं concerned authority की attention इसके प्रति डालना चाहता हूँ, मतलब इस प्रॉब्लम के टूवर्ड्स उनकी अटेंशन ड्रॉ करना चाहता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट पैरा में हमने ये लाइंस लिखनी है, ये हर एक लेटर में आएंगी, हर एक लेटर में चाहे वो कैसा भी लेटर टू एडिटर आ जाए, ये लाइंस आपने लिखनी ही लिखनी है, दैट इज़ मस्ट। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गया, दैट इज़ द इंट्रोडक्टरी पैरा। नेक्स्ट हमारा है सेकंड पैरा। सेकंड पैरा हमारा क्या था, मैंने आपको बताया था, जिसमें आप अपनी डिटेल बताओगे कि क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो। ठीक है, वो उसके बारे में आप डिटेल बताओगे, सपोज दैट कि आपके एरिया में लाउड स्पीकर्स हैं, लाउड स्पीकर्स की वजह से आप सभी लोगों को, वहाँ के रेजिडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो उसके ऊपर है लेटर। तो आप इसमें सेकंड पैरा में बताओगे कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है उन लाउड स्पीकर्स की नॉइज़ की वजह से, नॉइज़ पोल्यूशन हो रहा है, सीनियर सिटीजन्स और बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, और जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं अपनी स्टडीज़ पे। ठीक है, और जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको इतने डिस्टर्बेंस से उनका भी इरिटेशन हो रही है, उनका भी माइंड डिस्टर्ब हो रहा है, तो ये सब आपने डिटेल में हमारे सेकंड पैरा में कवर करना है, बॉडी जो हमारी कंटेंट आता है सेकंड पैरा। ठीक है, उसके बाद थर्ड पैरा में हमने अपने एडिटर से
क्या करना है, उनको बताना है, उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि वो आपके लिए क्या कर सकते हैं। तो आप उनको क्या कहोगे कि भाई आई विल, ये भी लाइंस आप रट लो, आप ये लिख दोगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे, और हर लेटर टू एडिटर में ये लिखना लिखोगे तो आपको नंबर मिल ही जाएंगे। दैट इज़ ये लाइन्स हैं, इट विल बी गुड इफ़ यू पब्लिश दिस इन योर न्यूज़पेपर। अच्छा होगा अगर आप मेरे ये व्यूज़ को, मेरे इन पॉइंट्स को अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश करोगे तो। एंड द कंसर्नड अथॉरिटीज़, और इस मैटर से रिलेटेड जो भी अथॉरिटीज़ हैं, कंसर्नड अथॉरिटीज़ हैं, वो इस मैटर की डेप्थ को, ग्रेविटी को देखेंगे कि ये मैटर कितना सीरियस है, और कुछ मेजर्स को वो अडॉप्ट करेंगे ताकि वो इस प्रॉब्लम्स को ईजिली क्या कर सके, जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सके। ठीक है, विल बी अडॉप्टेड टू प्रॉब्लम, आगे आपकी प्रॉब्लम आ जाएगी कि इसके लिए, इस प्रॉब्लम के प्रति वो क्या करेंगे, एक्शन जल्दी से जल्दी लेंगे। ठीक है ना, और उसके बाद लास्ट में ही हमारा थर्ड पैरा था, और लास्ट में थैंक यू, योर्स फेथफुली, सिंसियरली और ट्रूली, कुछ भी मैंशन कर सकते हो। उसके बाद अगर ऊपर सेंडर का नेम गिवन है तो आप लिख देना, अदरवाइज एक्स वाई जेड और ए बी सी आप मेंशन करना। ठीक है बेटा, क्लियर हो गई, समझ में आ गई आपको बात। और ये जो लास्ट की जो लाइंस हैं, कुछ और क्लोजिंग लाइंस हम मेंशन कर सकते हैं। एक तो मैंने आपको ये बता दी ऊपर, इट विल बी गुड इफ़ यू पब्लिश दिस इन योर न्यूज़पेपर एंड द कंसर्न अथॉरिटीज विल सी द ग्रेविटी ऑफ दिस मैटर एंड सम मेजर्स विल बी अडॉप्टेड टू दिस प्रॉब्लम। ठीक है, और आप लोग क्या लिख सकते हो, और लिख सकते हो आई रिक्वेस्ट यू टू हाईलाइट दिस इशू। ठीक है, आई होप दिस इशू विल ब्रॉट इन टू लाइट, आई एक्सपेक्ट माई लेटर टू फाइंड द सुटेबल स्पेस इन योर न्यूज़पेपर। ठीक है बच्चे, तो ये आप और क्लोजिंग लाइन्स हैं, ये भी आप मेंशन कर सकते हो उसके अलावा। ठीक है, ओके, तो कुछ कई बार अब क्या होता है बच्चे, ये तो हमारे हो गए, कोई आपकी कोई प्रॉब्लम है, आपके एरिया की प्रॉब्लम है, तो आप उन सभी रेजिडेंट्स के बिहाफ पे लिख रहे हो। तो अब कई बार कोई ऐसा इशू होता है, जर्नल इशू, जैसे कि कोई चाइल्ड लेबर है, वुमेन एम्पावरमेंट है, कोई भी जर्नल इशू हो गया, ठीक है, डॉरी हो गया, कोई भी जर्नल इशू के बारे में हमें लेटर टू एडिटर लिखना है कि हमें जर्नल पब्लिक की अटेंशन उसके टूवर्ड्स ड्रॉ करनी है। तो एक चीज़ रिप्लेस करनी है आपने, सिर्फ सिंगल चीज़, एंड दैट इज़ कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ की जगह आपने क्या लिखना है, जर्नल पब्लिक। जहाँ पे हम ये लिखते हैं, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न्ड अथॉरिटीज़। कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ की जगह आप क्या लिख दोगे, आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ जर्नल पब्लिक टूवर्ड्स द इश्यू ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, या फिर डॉरी सिस्टम प्रिवेलिंग इन आर सोसाइटी। ठीक है, तो आप यहाँ पे कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ जहाँ जहाँ आपने लिखा है वहाँ पे आप क्या लिख दोगे, जर्नल पब्लिक। क्लियर हो गए बेटा आपको बात, ओके, आगे देखो। ओके बेटा, तो ये एक सैम्पल लेटर है, मैं आपको ये एक बार रीड कराती हूँ, देखते हैं ये क्या है। यू आर वर्षा और वरुण, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर कंप्लेनिंग अबाउट द इररेगुलर एंड इनएडिक्वेट बस सर्विस इन योर एरिया। तो आपने लेटर लिखना है एडिटर को, उनको कंप्लेन करनी है अबाउट द इररेगुलर एंड इनएडिक्वेट बस सर्विस आपके एरिया में जो है उसके बारे में। तो अब हम इसको लिखना शुरू करते हैं बच्चे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था फॉर्मेट में, सबसे पहले हमारा क्या आता है, सेंडर एड्रेस। फर्स्ट स्टेप इज सेंडर एड्रेस। तो बेटा सेंडर एड्रेस ऊपर हमें गिवन है, नहीं गिवन तो यू कैन एज्यूम इट एंड राइट अकॉर्डिंगली। एज्यूम करके हमने तीन लाइंस में अपना सेंडर एड्रेस कवर कर दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने एक लाइन छोड़ी है, आप देख रहे हो यहाँ पे, ये सिंगल लाइन छोड़ी हुई है, छोड़ दी मैंने। उसके बाद डेट, व्हाट इज़ द डेट टुडे, इट्स 1 मई 2020। ठीक है, देन अगेन सिंगल लाइन स्पेस छोड़ा मैंने, देन अब क्या आना है हमारा, रिसीवर्स एड्रेस। यस, तो हेयर इट इज़, थर्ड इज़ रिसीवर्स एड्रेस, स्पेस छोड़ना है हमें, यहाँ पे भी छोड़ा, यहाँ पे भी छोड़ा एक लाइन स्पेस। अब हमारा आएगा रिसीवर्स एड्रेस, कौन है रिसीवर, हम लेटर किसको लिख रहे हैं, एडिटर को लिख रहे हैं, तो द एडिटर। बच्चे बहुत से स्टूडेंट्स ये गलती कर देते हैं, टू लिख देते हैं ऊपर, टू द एडिटर, नहीं लिखना है टू, टू नहीं लिखना है आपने, आपने लिखना है द एडिटर ओनली, द एडिटर। न्यूज़पेपर नहीं गिवन ऊपर, तो आप अपने अकॉर्डिंग लिख दो, इंडियन एक्सप्रेस करनाल। ठीक है, तीन लाइन्स में हमने रिसीवर एड्रेस कवर कर दिया, अगेन सिंगल लाइन स्पेस, एक लाइन छोड़ी हमने, ओके आगे। सब्जेक्ट क्या था, इरेगुलर एंड इनएडिक्वेट बस सर्विस इन योर एरिया, बस आप मेंशन कर दो इरेगुलर एंड इनएडिक्वेट बस सर्विस, बस दैट्स इट। मैंने क्या कहा था, आपका जो ये सब्जेक्ट है मैक्सिमम 6 वर्ड्स में, हमारे कितने हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5 वर्ड्स में हमने इसको शॉर्ट एंड प्रिसाइजली इसको अपने सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर दिया।
ठीक है, क्लियर हो गई बात। देन सिंगल लाइन स्पेस सर। बच्चे आप सैल्यूटेशन ऊपर सब्जेक्ट नीचे भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू न्यू करिकुलम ऑफ CBSE। ठीक है, आगे सैल्यूटेशन के बाद हमारी सिंगल लाइन स्पेस। अब आप लिख रहे हो आप कहाँ के रेजिडेंट हो, आप करनाल के इस कॉलोनी के रेजिडेंट हो, तो आप सभी रेजिडेंट्स के बिहाफ पे लेटर लिख रहे हो। तो आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, सबसे पहले आई एम वर्षा, इफ़ यू आर अ गर्ल यू हैव टू राइट वर्षा एंड इफ़ यू आर अ बॉय यू हैव टू राइट वरुण, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू राइट बोथ बाय पुटिंग स्लैश। ठीक है ना, तो आई एम वर्षा और रेजिडेंट ऑफ सेक्टर 45 करनाल, अपने आप को आपने इंट्रोड्यूस कर दिया। थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड डेली आई विश टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ द ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़। अब देखो यहाँ पे मैंने ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़ मेंशन किया क्योंकि दैट प्रॉब्लम इज़ रिलेटेड टू ट्रांसपोर्ट ना, है ना, ट्रांसपोर्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, तभी यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि किसको कौन सी अथॉरिटीज़ को आपने लिखना है तो आप कंसर्न्ड भी लिख सकते हो। ठीक है, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़ टूवर्ड्स द हार्डशिप्स, towards the hardships that the residents of sector 14 have been experiencing on account of the inadequate bus service। आपने क्या लिखा कि मैं वर्षा हूँ इस सेक्टर इस जगह की रेजिडेंट और आपके स्टीम दिल्ली के थ्रू मैं अटेंशन ड्रॉ करना चाहती हूँ ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़ की टूवर्ड्स द उन प्रॉब्लम्स के टूवर्ड्स उनकी अटेंशन ड्रॉ करना चाहती हूँ जो कि सेक्टर 45 के रेजिडेंट्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, किसकी वजह से, इनएडिक्वेट बस सर्विस की वजह से। ठीक है, तो आपने ब्रीफली अपनी प्रॉब्लम बता दी और अपने आप को इंट्रोड्यूस भी कर दिया एंड दैट इज़ आर फर्स्ट पैरा। सक्सेसफुली हमने अपना फर्स्ट पैरा लिख दिया। नाउ वी विल कम टू आर सेकेंड पैरा इन विच वी विल एक्सप्लेन आर प्रॉब्लम इन डिटेल, है ना, अपनी प्रॉब्लम को हम डिटेल में बताएंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको। ठीक है, देखते हैं। Every morning, a large number of people take bus at the main bus stop of this area to reach their workplace. Besides, there are a large number of students. भाई हर सुबह बहुत सारे लोग बस पकड़ते हैं कहाँ से, उस मेन बस स्टॉप से जो कि हमारे एरिया का है, अपने वर्क प्लेस पर जाने के लिए। ठीक है, और उनके बीच काफ़ी बच्चे भी हैं जो कि बस में जाते हैं। ठीक है, so besides there are a large number of students who travel on buses to reach their respective schools and colleges। वो अपने respective schools और colleges जाने के लिए बस से ही travel करते हैं। but the existing bus service is far from meeting the requirements of the public। लेकिन जो existing जो exist कर रही है bus service वो क्या है, वो हम सबकी वहाँ की public की जो requirements है वो उनको fulfill नहीं कर रही है, दूर है उनसे, मतलब उनकी services अच्छे से fulfill नहीं हो रही हैं। okay, आगे देखते हैं। मैंने क्या कहा था आपको, आप second para को two mini paras में आप वो डिवाइड कर सकते हो। आपने क्योंकि अपनी प्रॉब्लम को डिटेल में बताना है, एकोमोडेट भी कर सकते हो, एक ही पैरा भी बना सकते हो और उसको टू पैराज में इंक्लूड भी कर सकते हो। आगे हमने लिखा, क्या लिखा, मोस्ट ऑफ द बसेस दैट टच द स्पॉट आर पैक्ड विद पैसेंजर्स फ्रॉम अदर एरियाज बाय द टाइम दे रीच सेक्टर 45। और मोस्ट ऑफ द बसेस जो कि इस स्पॉट को टच करती हैं और किससे भरी धसम धस भरी होती है, पैसेंजर से फ्रॉम अदर दूसरे एरियाज के, उस टाइम तक जब तक वो 45 सेक्टर तक पहुंचती हैं उस टाइम तक क्या है, वो जो बस है ऑलरेडी फ्लडेड होती है पैसेंजर से। ठीक है, so they can accommodate very few passengers at the stop, so that is the reason that the bus can accommodate only few passengers at that particular stop। मतलब उनके stop पे सिर्फ कुछ ही passengers उसमें accommodate हो पाते हैं इस reason की वजह से। और जो situation है बड़ी peak hours पे बहुत ही worse है, when most of the buses do not stop here, the situation is worse at peak hours when most of the buses do not stop here and as a result people reach late to their designated places। और as a result क्या होता है कि वो रुकती नहीं है स्टॉप पे और एज अ रिजल्ट जो लोग हैं वो अपने जो जहाँ पे भी उन्होंने जाना होता है एट देयर वर्क प्लेस और देयर स्कूल एंड कॉलेजेस वो वहाँ पे लेट पहुँचते हैं एंड एज अ रिजल्ट द अथॉरिटीज़ आर रिक्वेस्टेड। तो इसलिए अथॉरिटीज से रिक्वेस्ट की जाती है टू इंट्रोड्यूस, ताकि वो क्या करें, इंट्रोड्यूस करें नई बस सर्विस वो जो कि इस एरिया में स्टार्ट हो, एज इट वुड बी अ ह्यूज हेल्प फॉर द पब्लिक। इससे क्या होगा, वहाँ की पब्लिक के लिए काफ़ी अच्छी मदद मिलेगी अगर अथॉरिटीज़ इसकी तरफ देखती हैं और नई बस सर्विस यहाँ पे शुरू करती हैं तो। ठीक है,
ये हमारा हो गया डिटेल में, हमने अपने प्रॉब्लम को बता दिया और उनसे रिक्वेस्ट भी कर दिया कि अगर अथॉरिटीज़ इसके प्रति कुछ एक्शन लेती हैं तो ये काफ़ी हेल्प होगी वहाँ की पब्लिक के लिए। ठीक है, आगे लास्ट में आप एडिटर से क्या चाहते हो, आई होप यू विल पब्लिश माई लेटर इन योर एस्टीम न्यूज़पेपर। मैं होप करती हूँ कि आप मेरे लेटर को अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश करोगे एंड ब्रिंग द सीरियस प्रॉब्लम टू द अथॉरिटीज़ अटेंशन, और इस सीरियस प्रॉब्लम को अथॉरिटीज़ के अटेंशन में ज़रूर लेके आओगे ताकि वो देखें इस प्रॉब्लम को और इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करें। क्लियर हो गई, हमने कंप्लीट कर दिए अपने 3 to 4 पैराज, 3 ही हैं, सेकेंड वाले को हमने 2 में डिवाइड किया था। ठीक है, तो अब यह हमारा बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट हो गया हमारा लेटर टू एडिटर। अब लास्ट में थैंकिंग यू योर्स फेथफुली वर्षा और वरुण। इफ़ द डेजिग्नेशन इज गिवन अबव यू कैन राइट इट हेयर इन द ब्रैकेट्स, कंसर्न सिटीजन भी लिख सकते हो आप इसमें। क्लियर हो गए बच्चे आपको, तो ये था हमारा लेटर टू एडिटर और इसका हमने एक सैम्पल रीड किया। आई होप आप लोगों को बच्चे समझ में आ गया होगा कि लेटर कैसे लिखना है, लेटर टू एडिटर कैसे लिखना है। और तो बच्चे हमें सभी फॉर्मल लेटर्स में यही फॉर्मेट फॉलो करना होता है, दैट इज़ सेंडर एड्रेस फॉलोड बाय डेट एंड देन रिसीवर एड्रेस देन सब्जेक्ट देन सैल्यूटेशन एंड देन योर बॉडी, है ना, एंड लास्ट में हमारा कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। तो यही हमारा फॉर्मेट फॉलो होता है सारे फॉर्मल लेटर्स में और ये हमारा लेटर टू एडिटर 8 मार्क्स का आता है। और बच्चे अगर आपको समझ में आ गया होगा, आ गया है, तो लाइक कर देना चैनल को, सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू।